सो हाय गाइस, कैसे हो? मैं वापस आ गया टिकटॉक ट्यूटोरियल्स की एक और ज़बरदस्त वीडियो को लेकर। गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का एडिटिंग कैसे कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक वीडियो प्ले हो रहा है, जिसमें देख सकते हो कि आपके मेरे हाथ के अंदर जो है एक छेद हो गया है। छेद मतलब थोड़ा सा मतलब कटा हुआ है, और पूरा मतलब मेरा बॉडी दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ स्कैनिंग हो रहा हो तो वो पूरा बॉडी भी दिखाई दे रहा है हाथ के आर पार। तो ये आखिर हुआ कैसे? तो ये टिकटॉक पे जो है ना बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है ये वीडियो। तो अगर इसके ऊपर आप वीडियो बना के जैसे ही अपलोड करोगे ना, तो फॉलोवर्स और लाइक्स बहुत सारा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को बनाओ और टिकटॉक पर अपलोड करो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि ऐसा एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। तो गाइस, चलिए मैं सबसे पहले आपको टिकटॉक पर जाकर मैं अपनी ये वीडियो दिखा दूँ। तो गैस, यहाँ पे मैं अपना टिकटॉक अकाउंट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट कुछ देर पहले वीडियो अपलोड किया, तो आप देख सकते हो वो वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो आप। तो इसके ऊपर मैंने गाना जो सेट किया है ऑलरेडी सेट था टिकटॉक पे, जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, कैसे करते हो तुम लोगों का सवाल है। तो अच्छा गाना भी है, मैच करता है पूरा, तो ये एक तरह से जादू ही है। तो ये वीडियो बहुत आसानी से आप जो है एडिट कर सकते हो। तो मेरा टिकटॉक आईडी नेम है टिकटॉक ट्यूटोरियल एम राज, ठीक है? ये आप सर्च कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वाले वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या ज़रूरी होगी ये वीडियो बनाने के लिए, मैं आपको बता दूँ कि आपके पास एक काइन मास्टर एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी चीज़ की आपको नॉर्मल एक वीडियो शूट करनी होगी, ठीक है? एक वीडियो नॉर्मल शूट करनी होगी कुछ इस तरह से। तो मैं वीडियो को प्ले करके दिखा दूं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये वीडियो शूट किया और मेरे हाथ में जो है एक गोल टाइप का ब्लू कलर का मैं कागज को हाथ में चिपकाया हुआ हूँ। तो आप भी इस तरह से अपने हाथ में कोई ग्रीन टाइप का या ब्लू टाइप का कुछ चिपका लेना। याद रहे कि जो भी कलर का आप हाथ में चिपकाओगे उस कलर का आप कपड़ा मत पहनना, नहीं तो अगर क्रोमा को यूज करोगे ना तो आपका कपड़ा का भी रंग उड़ जाएगा, ठीक है? तो याद आपको यही मेन बात रखनी है कि आपके हाथ में जो भी गोल टाइप का आप जैसे चिपकाओगे, ग्रीन या ब्लू, बेसिकली ये दो कलर चिपकाओगे या रेड भी चिपका सकते हो, तो उस कलर आप कपड़ा मत पहनना, ठीक है? तो कुछ इस तरह से नॉर्मल आपको वीडियो शूट कर लेनी है और कोई कागज लेके। और मैंने इसे हाथ में चिपकाया कैसे था, मैं आपको बता दूं कि साबुन होता है ना, तो साबुन को हाथ में डाल के उसके ऊपर चिपका लिया, तो काफी अच्छा से ये चिपक गया। फिर वीडियो जैसे ही शूट कर लोगे आप, तो आपको क्या करना है, काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप पहले से कोई वीडियो को एडिट किए हो तो इस साइड में रहेगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। प्लस वाला एक आइकन शो हो रहा होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है कि ये मिडिल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि टिकटॉक की सारी वीडियो ऐसे ही होती है फुल स्क्रीन पर। उस पर क्लिक करते ही आपका जो है इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको जो है आपने जो वीडियो शूट किया है उस वीडियो को यहाँ पर लाना है, तो मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और वो वीडियो आपका कहाँ है आपको तो पता ही होगा, DCIM कैमरा वाले फाइल में होता है। तो मैं उस वीडियो को जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो इस पर क्लिक करके ओके कर दिया। तो हमारा वीडियो जो है कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है? फिर आपको क्या करना है गाइस, कि यहाँ पर जाना है इस पोजिशन पर जहाँ पर आप हाथ को ऊपर नहीं उठाए हो। देखो यहाँ पर मैं हाथ को नहीं उठाया हूँ, तो एक नॉर्मल कंडीशन में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपको रोक देना है वीडियो को और इस पर एक बार क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ एक कैमरा का आइकन आ जाएगा आपको, तो उस पर क्लिक करना है। और आपको जो है सेकेंड नंबर का ऑप्शन है ऊपर से, उस पर क्लिक कर देना है। फिर क्या होगा कि आपका एक फ़ोटो इस साइड में आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो कि ये फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन फ़ोटो फ्लैक्चुएट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो इसको नॉर्मल करना है। तो इस फ़ोटो पे क्लिक करो एक बार, फिर आपको ये बीच में मिडिल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और स्क्रीन पे दो बार हाथ मारनी है। फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर दो बार हाथ मारने स्क्रीन पर, और ये मिडिल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका फ़ोटो इस बार फ्लैक्चुएट नहीं होगा, आप देख सकते हो कि आगे पीछे नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए मेरा फ़ोटो नॉर्मल है, ठीक है? अब फ़ोटो को क्या करनी है, एक बार और क्लिक करनी है। फिर ये जो येलो कलर का जो ये ऑप्शन है, इससे थोड़ा फ़ोटो आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है, लगभग आपको 15 सेकंड तक कर लेना है, 15-16 सेकंड तक। फिर आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो पर क्लिक करना, आपका वीडियो पर क्लिक करना है ऐसे। और आपको क्या करनी है कि थोड़ा सा वीडियो को आपको कट कर देना है, या यहाँ पर चलो मैं जहाँ पे मैं नॉर्मल हुआ था ना वहाँ पे कट कर देनी है। तो चलो इस जगह पे लेके और सीज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रिम टू लेफ्ट प्ले हेड कर देते हैं।
तो वीडियो मेरा कट हो गया। फिर वीडियो पे क्लिक करना है, ये थ्री डॉट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट एज अ लेयर सेकेंड नंबर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये वीडियो नीचे आ जाएगा। फिर इस वीडियो पे हाथ को दबा के रखिए, आपको मोबाइल थोड़ा वाइब्रेट होगा, और जैसे ही इधर लेफ्ट साइड में हाथ को ड्रैग करोगे ऐसे, तो ये वीडियो आगे बढ़ने लगेगा। तो ऐसे आप रखोगे, यहाँ तक आ जाएगा, शुरू तक। दूसरा काम क्या है, पहले जो आपने वीडियो लिया था ये वाला, इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देनी है। डिलीट कर दिया, अब आपको क्या करनी है कि ये जो आपका वीडियो है नीचे, ये छोटा है तो इसको बराबर में लाना है स्क्रीन का। तो ये मिडिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे इस वीडियो पे क्लिक करोगे मिडिल में एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है, और दो नंबर का जो ऑप्शन है ये, इस पे क्लिक कर देना, तो आपका जो है ये फ़ोटो पूरा आ जाएगा स्क्रीन पर। अब आपको क्या करनी है कि यहाँ पर जो है वो गाना आपको सेट करना है, ठीक है। तो वो गाना का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उस गाने को यहाँ पर ले आते हैं, तो इस गाने को मैं यहाँ पे ले आया, ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, गैलरी में जाओगे, वहाँ से गाना को आपको पिक कर लेना है। तो मैंने गाना पिक कर लिया, नीचे मेरा गाना है, इसे प्ले करते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है गाइस कि मेरा वीडियो में जो है ना साउंड आ रहा है, जो मेरा बैकग्राउंड का साउंड था ना इधर उधर का, चिड़िया उड़िया का, उसका आ रहा है, उसको ऑफ़ करना है। तो वीडियो पर एक बार आपको क्लिक करनी है, ये वीडियो पे क्लिक करके, ये साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे पूरा ज़ीरो कर देना है, और ऊपर में इसे कट कर देना है। दोनों में से कोई एक करोगे तो साउंड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, जहाँ तक गाना है वहाँ तक जाइए, और दोनों वीडियो को ट्रिम कर दीजिए लेफ़्ट साइड से, यानी कि गाने के इतना बड़ा ही आपको वीडियो रखना है। तो ये सीज़र पर क्लिक किया, और स्प्लिट एट प्ले अहेड पर क्लिक कीजिए, फिर आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना ऊपर पे, फिर क्लिक करके स्पीड एट प्लेहेड पे क्लिक करके ये दोनों को जो है डिलीट कर दीजिए। कर दिया, तो उसके बाद आपका गाना के बराबर में जो है ये वीडियो पूरा आ जाएगा। अब लास्ट हमारा क्या काम होता है कि आप वीडियो पे क्लिक कीजिए, ठीक है, वीडियो पे क्लिक कीजिए और वीडियो को थोड़ा आगे तक बढ़ाइए जहाँ पर हाथ आपका आता है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए ओके, और यहाँ से कलर आप चूज़ कर लीजिए जिस कलर का आपका हाथ में जो वो मतलब लगाए हुए हैं आप। तो ब्लू कलर का मैं चूज़ कर लिया, और आपको थोड़ा सा इसे मिक्स करना है इस हिसाब से कि मतलब कि ये बीच से जो है ना वो पार्ट हट जाए, इस तरह से आपको करनी है। क्रोमा की में आप ऊपर नीचे से मिला लेना, और मिलाने के बाद आप इसे सिंपली प्ले करके देखना। तो इस तरह से जो है मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको सिर्फ डेमो दिया था गाइस, इसलिए वीडियो को सही से मतलब कट नहीं किया। तो इस तरह से ही आपको करना है, ठीक है, आप वीडियो इस हिसाब से शूट करना ताकि आपका गाना भी पूरा मैच कर सके। और फिर से एक बार लास्ट में आपको बता दूं कि हाथ में जो कलर रखोगे उस कलर का आप कपड़ा मत पहनना, और बैकग्राउंड भी उस कलर का मत रखना, नहीं तो उसका भी रंग आउट हो जाएगा। फिर आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है शेयर वाले बटन पर, और आपको एक्सपोर्ट कर लेनी है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको वो गाना जो है उसी साउंड पे जाके अपलोड करनी है टिकटॉक पे, जिस साउंड पे आपने बनाया। इससे क्या होगा कि आपका वीडियो वायरल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो गाइस यही थी आज की ट्यूटोरियल। तो आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, कैसा लगा ये एडिटिंग, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है इस वीडियो को बनाने में तो भी आप हमें नीचे कमेंट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और गाइस आप हमें नीचे सजेस्ट कर सकते हो कि अगला ट्यूटोरियल मैं किस वीडियो पर लाऊँ। तो इस तरह की और भी बहुत सारी ट्यूटोरियल्स हर रोज़ मेरे चैनल पर अपलोड होती है और होगी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी ट्यूटोरियल वाली तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप उस वीडियो को देख के टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हो एडिटिंग सीख के। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और टिकटॉक पे फेमस हो जाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।